I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. मिस्टर प्रकाश पांडे, आपके लिए पहला सवाल, ये बताइए गांधी जी को गोली किसने मारी? गोडसे भैया, गोडसे बोलो। हाँ बोलता हूँ, डॉक्टर आप रुक जाइए, बोले दीजिए। तो हो जाऊंगा ना, मैं उन लोगों को देखता हूँ तो गोडसे कोई ठीक नहीं हो रहा। बोलो देखिए, सुनिए भैया, मुझे ठीक कर दीजिए। सर दो लोग थे, सर दो सिंह, सतवंत सिंह बलवंत सिंह, सर वो दोनों साथ में ही चल रहे थे। 33 गोलियां सीने के आर पार हो गई थी और वहीं स्पॉट पर उन्होंने दम तोड़ दिया। सर सर आपने अभी इंदिरा गांधी के बारे में पूछा ना, क्योंकि मैंने एमए एमफिल किया है। महात्मा गांधी जी को गोडसे ने मारा ये बात तो छोटे बच्चे को भी पता है। सर मैं क्लर्क हूँ सर, जीवन भर यही करता रहूंगा सर। मेरा बेटा सीबीआई अफसर बनना चाहता है, वो उसके काबिल है सर। सर जब हम पूछते हैं कि पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो तो बच्चे जवाब देते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन मेरा बेटा सीबीआई अफसर बनना चाहता है। मेरा भी यही सपना है सर। सर अगर आप चाहे तो सर। सब अच्छे से परफॉर्म करना, इस बार तो पुलिस में भर्ती हो ही जाएगा ना। ए, बस आ गई, सब लोग ठीक से देना आते हो, खुशखबरी चाहिए। ठीक है भाई, भैया चाय के पैसे दो ना। चाचा आपने एमए एमफिल की पढ़ाई की है और आपने क्लर्क के लिए अप्लाई किया है? हाँ सर। आप इसके लिए ओवर क्वालिफाइड हैं, आप ये जानते हैं? मैं साइकिल स्टैंड में टोकन देने का काम करता हूँ सर, मेरे लिए ये काम तो हवाई जहाज उड़ाने जैसा है, मैं ये काम करूँगा सर। मैडम मैं किसी की सिफारिश लेकर नहीं आया हूँ, कल इंटरव्यू है जिसमें आप भी शामिल होने वाली हैं और उत्तम सर भी आ रहे हैं। मेरा बेटा इतना काबिल है कि वो खुद ही पास हो जाएगा, कहीं उत्तम सर कुछ गड़बड़ ना कर दे जिससे मेरा बेटा फंस जाए। आप संभाल लीजिएगा मैडम। मैं संभाल लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, अपने बारे में कहा। देख दूसरा कोई काम कर ले, पुलिस की नौकरी के बारे में क्यों सोचता रहता है? बीवी हर समय गाली देती है, कोई और काम कर यार। देख अपनी पसंद के काम के लिए थोड़ा वक्त लगता है, बीवी गाली दे रही है मतलब मैं बदल नहीं सकता, जब तुम्हारी शादी होगी ना तब समझेगा। सर 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 काम के लिए सर से मिला था। सर से मैंने तुम्हारे बारे में पूरी बात कर ली है, तू जाकर मिल लेना। पैसे तो नहीं मांगेंगे, वो सब देख लेंगे, तू पहले जाकर उनसे मिल लेना। अब ये बताइए मिस्टर पांडे, ये काम अगर आपको मिल जाए तो हमारा क्या फायदा होगा? आपके पास पैसे हैं? पैसे नहीं है इसलिए काम के लिए आया हूँ सर, काम करूंगा तो पैसे मिलेंगे ना, और आप मुझसे काम के लिए पैसे मांग रहे हैं। आप लोग मुझे बस एक बार ये काम दे दीजिए, ये काम करके जो पैसा मिलेगा वो मैं आपको दे दूंगा, ये ठीक रहेगा ना सर? तो फिर आप लोग मुझे काम दे रहे हैं ना सर? मिस्टर पांडे आपकी जबान बहुत चलती है, अगर आप इस काम को कर लेंगे तो आपका भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू। मैं जो कहने वाला हूँ वो आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए। अभी चल रही है रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, उसमें कुल मिलाकर वैकेंसी है 1811, लेकिन अप्लाई करने वाले हैं 44,933 लोग। इतनी सी जरूरत है हा? लेकिन अप्लाई करने वाले इतने सारे लोग। अब मैं ओपनली बताता हूँ, अभी जो 1811 सीट हैं, उनमें से 300-400 सीट मेरिट बेसिस पे चली जाएंगी, बाकी जो बचेंगी उसमें ऊपर वालों की सिफारिश है, पैसा है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इन सब के हाथों में चली जाएंगी। उसमें से जो 40 सीट हैं, वो हम लोगों के पास, अभी उसके 85,000 से लाख रुपए तक लेते हैं। शर्मा सर की पहचान से आए हो इसलिए 75 में डन कर दे, क्या बोलते हो? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है सर, पहले जो 300 है उसमें आऊंगा या नहीं पता नहीं, लेकिन जो 1811 है उसमें जरूर आऊंगा सर, अगर आप लोग न्याय से चलेंगे तो। जीत जाएंगे सर, हम लोग जीत जाएंगे सर, अगर सब कुछ सही तरीके से चलेगा तो सही लोग जीत जाएंगे। जो काबिल नहीं है वो यहाँ पर है, जो काबिल है वो कहाँ है, उनका तो जैसे कोई अता पता ही नहीं है, क्यों है ना सर? आप भी पुलिस के लिए ट्राई कर रहे हैं क्या? पुलिस पुलिस वगैरह उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा ट्रैक थोड़ा दूसरा है सर। ये मेरा दोस्त है ना, इसे पुलिस बनना है, यही इसका सपना है। सर इंटरव्यू में जाने पर अगर कोई गड़बड़ कर दे या सही से इंटरव्यू ना दे, ऐसे में नौकरी ना मिले तो ठीक है, लेकिन सब कुछ सही करने और सारी काबिलियत होने के बावजूद काम ना मिले तो बुरा लगता है।
सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लोग सोचते हैं कि मुझ में क्या कमी है जो मैं ये नहीं कर पा रहा। फिर दिमाग कंफ्यूज होने लग जाता है। उसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए यहाँ पर 75 रखने के लिए बोल रहा हूँ। फिर घर जाकर आईना देखना, चेहरा एकदम खिला हुआ दिखेगा। सर पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? 75 में थोड़े पैसे कम है। How much? 74 है सर, बस 1000 एडजस्ट कर लीजिए ना। वो 1000 रुपए एक्चुअली बाहर हवलदार ने आपसे मिलने के लिए पैसे बाहर ही ले लिए सर। आप लोग मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, आज मेरा बर्थडे है सर। जन्मदिन मुबारक सर। मैंने हैप्पी रिटर्न्स 24th बर्थडे। बोल दिया ना, बाहर निकलो। सर सॉरी सर, सॉरी मैं देता हूँ। सॉरी सर, वो क्या ना सर, इसे देने की आदत नहीं है तो मैं ही दे देता हूँ। जो देना है जल्दी दे दो। ठीक है मैं चलता हूँ। हो जाएगी ना तो देखते हैं। अरे जल्दी क्या है, पहले रिजल्ट तो आने दो। उसे बाहर खड़ा करके बात करना चाहिए था, अंदर क्यों आने दिया? बाहर वाले क्या सोचेंगे, गैर मर्द को घर के अंदर आने क्यों देती हो? ए, मर्द हो ना तो मेहनत करके दो वक्त की रोटी खिलाओ पहले। हम हर रोज क्या खाते हैं? फटी हुई साड़ी पहनती हूँ, कभी पूछा है मुझे? या नई साड़ी लेकर दी है? नहीं ना, शक बहुत अच्छी तरह से करते हो। अभी पुलिस बने नहीं हो ना? पुलिस बनने के बाद मैं पूछना, उसके बाद मैं जवाब देती हूँ। मैंने किससे ब्याज पे पैसे लिए हैं, किससे उधार लिए हैं, तो वो अपना पैसा वापस लेने के लिए घर के अंदर तो आएंगे ही ना। बड़ा आया शक करने वाला। पुलिस बनने से पहले दूसरे काम पर नहीं जाओगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा यार। ए, पागल। नहीं तो मैं इसको बस कर। अब ये मरने मारने की बातें डरपोक और कायर लोग करते हैं। हम अपना सपना पूरा करेंगे। यहाँ तेरे सीने पर पुलिस का बैच लगेगा और मैं CBI बनूंगा और हम ये सपना पूरा करेंगे बिना रिश्वत दिए या कोई गलत काम किए। बस हिम्मत मत हार। मेरी शर्ट खराब होगी तो चलेगा, लेकिन आपकी नहीं होनी चाहिए। हमारे शर्ट में क्रीज भी नहीं पड़नी चाहिए बेटा। स्मार्ट लग रहे हो। सुनो बेटा, मेरा भी यही सपना था कि जिस ऑफिस में तेरे पापा प्यून का काम करते हैं उसी ऑफिस में तू एक ईमानदार और बहुत बड़ा ऑफिसर बने। जहां मैं काम करता हूं वहां उत्तम नाम का एक घटिया इंसान है। CBI ऑफिसर हूं, आपके घर पर रेड डालने आया हूं। प्लीज कोऑपरेट। काम के बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। बैठकर बात करते हैं सर। प्लीज सर, आप लोग 5 मिनट के लिए अंदर जाइए। दरवाजा बंद। सर सर, आपसे छिपाने का कोई फायदा नहीं है सर। जहाँ भी ढूंढेंगे आपको पैसे मिलेंगे। हम लोग अकेले में बात हम यही बात करेंगे। ओके सर, इसमें 10 लाख रुपए हैं सर, आप इसे लेकर बात खत्म कर दीजिए सर। इधर आना, ये दोनों बैग्स ले जाकर मेरे घर में रख दो। मेरी गाड़ी में जाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? मुझे फंसाने की सोच रहा है सर? तेरा ही नुकसान होगा, संभाल कर घर ले जाना और तू जाकर आराम से सो जा। घर जाने के बाद मुझे चैन की नींद नहीं आई। मैंने उसके खिलाफ एक खत डाला, वो खत दूसरे घटिया इंसान ने इस घटिया इंसान को दे दिया। तब से वो घटिया इंसान मुझसे बहुत गुस्सा रहता है और वो इसका बदला तुमसे जरूर लेगा बेटा। तुम अच्छी तरह इंटरव्यू देना और उस ऑफिस का ऑफिसर बन जाना बेटा। जरूर पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए। नचिकेत वर्मा नहीं, नचिकेत शर्मा, अपने बाप की तरह शक्ल से नेक दिखता है। Please take your seat. Thank you, sir. Sit down. आपके पिताजी का सपना है इसलिए आपने इस काम को चुना है क्या? मैम, जिस तरह से हर इंसान का जिंदगी में कोई ना कोई सपना होता है उसी तरह से मेरा भी एक सपना है और मैं उस सपने को जीना चाहता हूँ। उसे पूरा करके CBI ऑफिसर बनकर आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ और ये मेरे पिताजी का भी सपना है। CBI में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आप किस डिपार्टमेंट को प्रेफर करना चाहते हो? इकोनॉमिक ऑफेंसेस। क्यों? लोगों को लगता है कि हम एक गरीब देश हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे देश में इतना ज्यादा ब्लैक मनी है, अगर हम उसे हासिल कर लें तो गरीबी को जड़ से उखाड़ सकते हैं। क्या बे, क्या उखाड़ेगा? हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ तो तू जड़ से उखाड़ेगा, लेकिन उखाड़ेगा कैसे ये तो बता। मेरा मतलब, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता सर, हम सब साथ मिलकर हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मिलके सॉल्व करेगा, क्या सॉल्व करेगा? फिजिकल टेस्ट पेपर्स। तेरी हाइट क्या है? हाँ? चल खड़ा हो। सीधे खड़ा हो। अटेंशन, सुना? आप क्या कहते हैं?
ही इज क्वालिफाइड सर। बैठ जा। यहां पहला रूल है सीनियर्स की बात मानना। चल तू मुझे एक बात बता, मान ले तेरे सीनियर ने तेरे सामने रिश्वत ली और तूने उसे देख लिया, वो तेरे सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है मुझे फंसाना मत, लेकिन तू मानता नहीं है, कहता है कि मैं तेरे खिलाफ बेनाम खत लिखूंगा, तू करेगा ऐसा? बेनाम खत नहीं लिखूंगा सर। इंटेलिजेंट तो बहुत है तू। ऐसा करने का कोई मतलब नहीं होगा, मैं तो नाम और एड्रेस लिखूंगा और जरूरत पड़ी तो पासपोर्ट साइज फोटो भी लगाऊंगा। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। सस्पेंड नहीं सर, डिसमिस का ऑर्डर तो मैं दिलवा कर ही रहूंगा उसे। सॉरी सर, पर मैं उसे नंगा करके रहूंगा। पॉलिटिशियन या वीआईपी के यहाँ रेट डालने के लिए कहा जाएगा तो क्या तुम ऐसा करोगे? जरूर करूंगा सर। हेलो हेलो, सीबीआई डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ सर। स्टेशन इंस्पेक्टर कौन? सर आज वो लीव पर हैं। मैं सब इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। मैं इंचार्ज में हूँ। दैट्स ओके। तुम्हारा नाम क्या बताएं? सर विठल राव सर। विठल राव सर, मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो सर। आज एक जगह रेड डालने जाना है, तुम एक एसआई नहीं तो दो कांस्टेबल और एक लेडी कांस्टेबल को लेकर आना। okay, हमें नाना चौक पर मिलो। okay, वहां से एक टीम बनकर जाएंगे। समझ गया सर। ओके, जय हिंद। जय हिंद। मैडम टाइम हो गया है, आप परेशान लग रही हैं, कहो तो मैं लीड करूं। मिनिस्टर का घर है, इस बात से आप डर तो नहीं रही? डरने की जरूरत उनको है, मुझे नहीं। और डर कर या घबरा कर ये काम कर भी नहीं सकते हैं। स्टेशन में सबको बोल दिया? बोल दिया मैंने। इंस्पेक्टर नहीं है, एसआई। नाम क्या है? विठल राव। गाड़ी तैयार है? तैयार है। अपनी टीम? दे आर रेडी। एपी? यस आई एम रेडी। मुरली कुमार? मुरली कुमार हियर। सब लोग रेडी हैं? यस सर। तो चले मैडम। चलो। एक वीआईपी के घर रेड डालनी है, दिन भर हमारे साथ रहना होगा। ओके सर, जान सकता हूँ किसके घर में रेड डालने वाले हैं? जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स। यस मैडम। वारंट सर। तुम्हारा नाम क्या है? मानिया है सर। कैप सही से पहनो। ओके, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गो। यस सर। सर। सर, आप हमेशा इन्हीं कपड़ों में रहते हो? हे राम, गांधी, नेहरू, बोस और मैं, हम सभी इन्हीं कपड़ों में तो रहते हैं। आपके लिए नेताजी, हमारे लिए बोस, क्योंकि हम सभी हैं बहुत क्लोज। आप और वो एक ही एज ग्रुप के हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे एज ग्रुप के नहीं है, मेरे पिताजी के एज ग्रुप के हैं। हम लोग ऐसे ही, आप फोटो पहले निकालेंगी? मुस्कुराइए। को जाने मत देना, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ए, इन्हें भी इंटरव्यू लेना है क्या? इनसे कहो बाद में आओ। झांसी रानी। उत्तम कुमार, सीबीआई स्पेशल विंग। मैं वही कह रहा हूँ, बाद में आइए, घर की तलाशी लेने आए हैं। काइंडली कोऑपरेट। क्या कॉर्पोरेशन? एपी सर, शुरू हो जाइए। मुरली ऊपर जाओ, टेलीफोन कट कर दो। किसके घर पर आकर क्या ढूंढ रहे हो? अरे बाप, ये भी कोई जवाब होता है? इज्जत से कोऑपरेट कीजिए, वरना आप मिनिस्टर हैं ये बात भूल जाऊंगी। शुरू कीजिए, सत्य की परीक्षा ली जा रही है। हेलो, रेड के वक्त कोई बाहर नहीं जा सकता, यहीं पर बैठी रहो। सर मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, मैं बस एक रिपोर्टर हूँ। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता, चुप रहो और जाओ बैठो। ए, ये पेट्रोमैक्स लाइट किराए पर जाने वाली है। ए, उलझन को क्लियर कीजिए भाई, ये पेट्रोमैक्स लाइट कैसे जलती है? ए, बेवको, इसको कब बोलते हैं, इसमें सही लाइट जलती है? इसमें कैसे चल गया? इसे भी तोड़ दिया। कौन हो आप लोग? मैडम आप बाहर जाइए। क्यों आई है? सुनिए जी, अरे ये क्या चल इधर मेरे पास पर? आ बैठ, फिर बताता हूँ। इनके सामने ज्यादा जबान मत चला, बहुत तेज मारते हैं। हाँ, यहाँ जो भी कमाया मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे। पूजा रूम कहाँ है? रुक जाइए, तुम इधर आओ, मैं देखता हूँ। मेरी बात सुनिए, इन हाथों से कुछ गलत नहीं हुआ है, लगता है आपको पता नहीं है मंत्री का घर है, इसीलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं, है ना? एक बात कान खुलकर सुन लीजिए, जो इंसान सच्चा है वो बाकी किसी से नहीं डरता।
दिल में सच्चाई है और जो काम कर रहे हैं उसमें न्याय है, बाकी हमें किसी की परवाह नहीं। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। वो तो हट जाओ, हमें हमारा काम करने दो। यहाँ हमारे सभी भगवान हैं, मैं इनकी पूजा करता हूँ, यही लोग मेरी दौलत है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ सर, यहाँ झूठ बोली नहीं सकता। यहाँ एक लॉकर है, आप हर जगह ढूंढ लेती है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सोना और कुछ हीरे हैं। मैं जो कह रहा हूँ मान जाइए ना प्लीज, मेरी बात सुनिए। अरे लेकिन चाबी ने समझा ना, उसमें कुछ भी नहीं है। चाबी दीजिए। अरे सुनो, पहले चाबी दीजिए। दे दो ना, देख लेने दो। लगता है हमारे घर को किसी की नजर लग गई है सर, उसमें कुछ भी नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। मैं खुद इसको साल भर में एक बार खोलता हूँ। मत खोलिए सर। ओहो हो, खोल दिया आपने। अरे ये मेरे जीवन की पूंजी है, क्या किया? अरे आपने इसे फेंक दिया। महात्मा जी, आपके पहनी हुई चप्पल को फेंक दिया। वो सारे खत हैं जिन्हें गांधी जी ने नेहरू जी को लिखे थे, फिर मेरे पिताजी को मिले थे। रहने दीजिए, मेरी माँ के अलावा किसी ने कभी नहीं छुआ। अरे गुरु लोग, आप लोग कहाँ चले गए? शास्त्री जी देख रहे हैं, ये लोग मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? विठल राव सर, इन्हें बाहर लेकर जाओ। सर आप अरे मैं क्या करूं, मैं आप सबको छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन ये मुझे बात कर रहे हैं। इनको देखिए जरा, सब कुछ निकाल है। नेहरू जी की फोटो के पीछे जो सेवर रखे थे, कपड़े के कवर में जो सोना लपेटा था, सब कुछ निकाल है। सुनते हैं चलो सब क्लियर करो। यस मैडम। हे भगवान, मेरे घर की क्या हालत कर दी लोगों ने। क्या कर रहे? कुछ नहीं। कहा था ना वहाँ चुपचाप बैठी रहो। कितनी देर तक मैं वहाँ बैठी रहूंगी? मैं बताऊंगा तब तक। बड़ा आया बोलने वाला, इधर बैठ उधर बैठ। सर 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 रुके सर। इस तरह आपने और कहाँ कहाँ छिपा कर रखा है, खुद बता देंगे तो सजा आपको कम होगी। अगर हमने ढूंढ लिया तो अच्छा नहीं होगा। सब कुछ तो ले लिया, बाप की कसम मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। सर के पिताजी की फोटो कहाँ है, ढूंढो। ऊपर है सर। सारे रूम्स की तलाशी लो। दरवाजे को तोड़ दो। अच्छी सुन रही हो, आपने गलती से इन सबको बता दिया आपने कहा क्या छुपाया है। ऐसा मैंने कहा क्या? अब क्या होगा? इसके पीछे एक रूम है। मैडम प्लीज हट जाइए। बाथरूम की बाल्टी में भी पैसे छिपा कर रखे हैं। अब मुंह नहीं खोलूंगा मैं। गेट अप। सर आप इस तरफ बैठो, क्विक। अभी तो मैं कसम खाता हूं कि अपनी सांस भी बाहर नहीं निकालूंगा। तुम लोग मुझे ऐसे गौर से क्यों देख रहे हो? अगर मैं तुम लोगों को देखूंगा तब तो तुम्हें पता चलेगा ना। मैं तुम लोगों की तरफ देखूंगा ही नहीं। ये मैडम मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? मैं क्या इतना अच्छा दिखता हूं? अब तो मुझसे सांस भी नहीं रोकी जा रही। ये उस तरफ क्यों देख रहा है? उस तरफ तो खटारा कार है। अरे उसे भी लेकर जाओ ना तुम लोग और पीछा छोड़ो। उधर तो टूटा फूटा सामान है, चाहिए तो वो भी ले लो ना। लगता है ये लोग अब जा रहे हैं। जान में जान आई। अरे रो क्यों रही हो? सब ठीक हो गया। ए गांधी, ऊपर वाले ने हमें बचा लिया। मैडम ये देख रही? अरे ये क्या है, तुम लोग दुआ भी नहीं मांगने देते। जरा डंडा तो देना। अरे ये क्या कर रहे हैं, मेरा घर गिरा देंगे क्या? गांधी नाम रखना गलत बात है, तुमने कैसे रखा ये नाम? दरअसल मेरे पिताजी और गांधी जी। सर बस कीजिए सर। दस्तखत कीजिए। ये सब कुछ मैंने मेहनत से कमाया। दस्तखत कीजिए। जरा इधर आइए ना, आइए ना। इन सबको सरकार को देने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। लगता है काम बन जाएगा। ये तूने पहले क्यों नहीं कहा? कितना देंगे? ये बात आप पहले कहती तो कितना अच्छा होता। मेरे पूरे घर को उलट पुलट कर रख दिया आपने। ऐसा है दो ले लीजिए। होगा क्या? और क्या आधा आधा बांटने के लिए सोच रही है क्या?
मुझे हाथ फैलाने की आदत नहीं है। सर। हाँ मैडम। मैं उन्हें ही दे देता हूँ। बोलो। दो की बात हो गई है। ठीक है। अरे बाप। क्या सर, एक मिनिस्टर है, इसकी परवाह किए बिना थप्पड़ मार दिया। बनना है, इनके जैसा बनना है। मुश्किल है सर, इनके जैसा बनना। बनेंगे सर, जरूर बनेंगे सर। दस्तखत। थैंक यू। जो लोग तुम्हारी तरह गलती कर कर ये सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, उनसे कह देना कि उन्हें पकड़ने के लिए एक ईमानदार टीम आ गई है, जिस टीम का नाम है झांसी रानी टीम। चलो। मिस्टर विठल राव, इन सबको अरेस्ट करना पड़ेगा। हायर ऑफिसर के आने तक आपको यहाँ रुकना पड़ेगा। यस मैम। मैडम, आज मेरा काम का पहला दिन है। आपका काम देखकर मैं कहना चाहूंगा कि यू आर माय बिग इंस्पिरेशन मैडम। दिल में ईमानदारी हो और काम करने के प्रति वफादारी हो तो किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। बस इस बात को याद रखना। यस मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। जिसके दिल में काम के प्रति ईमानदारी हो और जो सच्चाई के लिए लड़ता हो, उसे कभी डर नहीं लगता। डर के मारे हाथ पैर कांप रहे हैं। टेंशन में उस बूढ़े को भी मार दिया। उसने क्या नाम बताया था उसका? गांधी। जब भी वो ये नाम बोलता था मुझे इतना गुस्सा आता था कि दो लगा के दूं। बाहर आइए। क्यों इतना चिल्ला रहा है? मेरी तो जान निकल रही है। जो कहूंगा वो करोगी? पर मुझे पगार तो मिलेगा ना। एपी, सीबीआई ऑफिसर बनोगे? सीबीआई हो या आरबीआई हो, पगार मिलेगी ना। टिप मिलेगा तो भी चलेगा। आज से तुम सीबीआई ऑफिसर हो मुरली कुमार। मैं 57 ईयर का हूँ, मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया, लेकिन आपने काम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज तक किसी ने भी काम और पगार के लिए कभी नहीं बोला। आप काम नहीं दोगे चलेगा, पगार जरूर दे देना। जब तक आप आ नहीं बोलेंगे पैर नहीं छोड़ूंगा। तो क्या कर रहे हो? हाँ, मैं काम भी दूंगा, पैसे भी दूंगा। छोड़ो, उठ जाओ। कल से हम लोग अच्छे इंसान नहीं होंगे, दूसरों के। क्या करें, अच्छे लोग बुरे बनेंगे तभी तो बुरे लोग अच्छे इंसान बनेंगे। हा? तो बदलेंगे। हम सब कौन है? सुनाई नहीं दिया? जिन लोगों के पास गैर कानूनी पैसा है, हम उस पैसे को चोरी करेंगे और चोर को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल समझ गया। जरा वापस भाई, वापस बोलो। ध्यान से सुनो, ये बेईमान लोगों का पैसा है, इसलिए अफसोस मत करना, ठीक है? हमारे सेंट्रल मिनिस्टर के घर जाने से पहले किसी लड़की को वहाँ रिपोर्टर बनकर जाना होगा। अगर आप कहो तो मैं लेडी गेटअप में वहाँ जाकर देख कर आऊँ। गेटअप की क्या जरूरत है, ऐसे ही चले जाओ ना। मैं एक लड़की को पहचानती हूँ, उसे भेज दूँ तो चलेगा क्या? देखने में खूबसूरत है। मेरे जितनी खूबसूरत नहीं है, फिर भी बुला सकते हैं। तो सच का ऑफिसर लग रहा है। वो लड़की कहाँ है? हम लोग उसे छोड़कर आए क्या? कहाँ है वो लड़की? सर, मैं जा सकती हूँ क्या? तुम हो कौन और तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, मुझ पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, मैं ही पागल की तरह इधर खड़ी थी। कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा उस डुप्लीकेट गैंग से कुछ संबंध है क्या? डुप्लीकेट गैंग थी क्या? रुकिए, मैं अभी क्या लिखने वाली हो? कल यही हेडलाइन होगी सर, डुप्लीकेट गैंग की ब्रेकिंग न्यूज होगी। आप सब ऐसे खड़े रहिए, मैं बस एक फोटो। ये लड़की फोटो खींचना चाहती है और ये लोग पोज दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं बेटी, रुक जा, ऐसा मत करना। अगर वो फंस गई तो हम सब फंस जाएंगे। अब हम क्या करें? मुझे तो लग रहा है वो 3 मिनट में आ जाएगी। कैसे? वैसे अगर वो ना ही आए तो बेहतर होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? देखो, वो क्या है ना, उसे देखकर मुझे अचानक से कुछ कुछ होने लगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बात आगे बढ़े। मैं इन चीजों से दूर ही रहता हूँ, ये दिल विल के मामलों से। ओह एपी,
जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो प्यार से दूर रहना चाहिए। वो आ गई भाई। क्या कह रहे हो? गाड़ी आ गई भाई, वो देखिए वो आ रही है। ऐसे शर्मा क्यों रहे हो? नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? ये कौन है? ये वो नहीं है, वो कहाँ है? ऊपर वाला मेरे साथ है, करना कुछ नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ बस वैसे करो। चलो चलो, अरे भगवान, मेरी गाड़ी को फॉलो करो, चलो सब लोग गाड़ी में बैठ जाओ। उधर खड़े होकर तुम लोग क्या बड़बड़ा रहे हो? टाइम हो रहा है ना आने का, काम करने का और यहाँ से निकल जाने का। और सर बड़ा अच्छा काम कर लेते हो, उधर बैठ इधर बैठ। अच्छा अब जल्दी से गेटअप चेंज करो ना, क्यों यहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं उठाता हूँ। ठीक है भाई। हेलो हेलो भाई, बोल। हमारे बारे में किसी भी पेपर में न्यूज़ नहीं छपी है। हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, किसी भी पेपर में कोई न्यूज़ नहीं छपी है। इसका मतलब हमें कोई नहीं पकड़ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माल संभाल कर रखना, दीदी के घर में शादी है, वहाँ लेकर आना। ठीक है, रखता हूँ। लगता है भाई का फोन आ गया। ये बातें मत करो, पढ़ाई करो। क्या चाहिए आपको? ठीक है आप लेट जाइए। फोन बज रहा है, साहब के लिए कॉफी लेकर आओ। ये ऊंचा कितनी देर सोएगी? चलो उठ उठ ना, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। हेलो हेलो, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक। पेपर में कोई न्यूज वगैरह आई क्या? कुछ नहीं आया। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप शादी की तैयारी करो। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। उत्तम, मुझे बताए बिना तुमने रेड क्यों डाली? रेड? यस, मिनिस्टर साहब के घर पर। कौन सा घर? एमजी रोड के पास वाले बंगले पर आपके नाम से रेड डाली गई है। मेरे नाम से रेड कौन डालेगा? सब कुछ लूट कर चले गए, मैं तो कहती हूँ सबका सत्यानाश हो। आप कंप्लेन लिख के दीजिए, हम एक्शन लेते हैं। मैं उनकी कंप्लेन तो कर दूंगा, पर आपके एक्शन से पहले पार्टी मुझ पर एक्शन ले लेगी। पैसे छोड़िए, वो तो मैं फिर कमा लूंगा, लेकिन अगर बदनाम हो गया ना। अरे नहीं नहीं, नहीं। किसी को पता ना चले, कुछ ऐसा काम कीजिए। आप तो असली वाले हैं ना? पैसा जाने के बाद होश आया आपको? अरे क्या बताऊं मैं, उन लोगों ने यहाँ ऐसी एक्टिंग की थी ना, पूछे इन लोगों से, अक्षय कुमार भी नहीं कर पाएगा। सर वारंट पेपर बिल्कुल सही लग रहे थे सर, मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ, इसलिए सॉरी सर। रेड का वारंट पेपर कैसा होता है तुमने कभी देखा है? गोल्ड और ज्वेलरी को सीज करने का अधिकार सीबीआई को नहीं है, ये अधिकार सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को है। लोगों को ये बात पता नहीं होती और कुछ लोग इस बात का फायदा उठा लेते हैं। ठीक है, तूने उन्हें देख लिया ना, जब तक मैं उन्हें पकड़ नहीं लेता तू मेरे साथ रहेगा। ये काम मैं करूंगा और तू मुझे देखेगा विठल राव। ठीक है सर। विठल राव, तुझे तेरा नाम सूट नहीं करता, एक काम करें, केस खत्म होने तक तेरा नाम बदल दें, बेवकूफ बाबू राव, कैसा लगा? ठीक है, नारायण नारायण, ऐन वक्त पर धोखा मत देना। इस वक्त अगर तू धोखा देगा तो मैं क्या करूंगी? दो घंटे प्रैक्टिस करने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाया और तू मुझे परेशान कर रही है। हट प्लीज, अधू मेरी बात सुन, जिसको जो काम आता है उसको वही काम करना चाहिए। मेरी बॉडी ऐसी है उस काम में सेट नहीं हो पाऊंगा, मुझे जाने दे। चलो भाई आगे बढ़ाओ। नहीं नहीं मत निकालो, थोड़ा सोच कर देखो, चाहिए तो मैं तुझे ये केले दे देती हूँ उसके साथ, प्लीज। मुझे केले दे रही हो? मैं क्या तुम्हें मंदिर के बाहर बैठा हुआ बंदर दिख रहा हूँ जो केले दे रही हो? इसीलिए आई हेट यू। पीटर भाई तुम गाड़ी आगे बढ़ाओ। अरे आगे बढ़ाओ भाई, बोले सरप्राइज। वो मैं यहाँ मंदिर में आया था। ठीक है आप जाकर प्रार्थना करो। एक बार मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं जाऊंगा, भगवान भी मुझे आकर कहेगा तो भी नहीं जाऊंगा। कुछ हेल्प चाहिए क्या? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना। उसका हल तो सिर्फ और सिर्फ इसी के पास है। आर यू श्योर? इस गोरिल्ला के पास हल है? मुझे तो नहीं लगता। क्यों भाई, चेहरे के पीछे मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं तो मजाक का मजाक कोई उड़ाता है? तुम चलो ना, ये काला जामुन कुछ नहीं कर सकता, मैं हूँ ना, मैं मार सकता हूँ। ठीक है मैं समझ गया, तू जा। चलो यहाँ खड़े रह के कुछ नहीं होगा, अंदर चलते हैं। मेरे होते हुए उससे मदद मांगनी थी, दर्शन लेने बाद में कर लेंगे। आप पहले यहाँ पर बैठ जाओ। अच्छा चुपचाप बैठना? चुपचाप बैठ जाओ, बस इतना ही, बिना हाथ पैर हिलाए बैठना। अच्छा इसे भी पकड़ लो।
मधु बहुत ही प्यारी बच्ची है, सबकी हेल्प करती है। नमस्ते। इस जमाने में किसी अपाहिज से शादी करना बहुत बड़ी बात है, ये मैं बहुत पुण्य का काम कर रही है। I'm so proud of you, मधु। सुनो बेटी, इसका चेहरा तो सही लग रहा है। वो क्या है ना, आप सीधे खड़ी होकर देख रही हो ना, इसलिए सही लग रहा है। आप इस तरफ से देखोगी तो टेढ़ा लगेगा। हाँ, शायद ऐसे ही हो, मुझे तो इनका हाथ सही दिख रहा है। अरे आप भी गलत जगह से देख रहे हैं, आप इस तरफ आकर देखिए ना तो टेढ़ा लगेगा। हाँ सही कहा, गलती से बोल दिया मैंने। आपका नाम क्या बताया था आपने? मंदिर के अंदर ऐसा गलत नहीं बोलना चाहिए, ये पाप है। क्या कहना चाहते हैं? वो मंदिर का नाम ना, उसको शॉर्टकट में बोल रहे हैं। मैं समझ गया। चुप कर जाओ। ले लो बेटी, ले लो, ले लो, लो। अपनी शादी के लिए ले रहे हैं। नमस्ते, सदा खुश रहो। हम लोग चलते हैं। जी हो रहा था, मैंने देख लिया है। हाथ को टेढ़ा करके पैर टेढ़ा कर रहे थे, ऊपर से चेहरा झुका रहे थे ना। मुझे इस लड़की के बारे में पता है पहले से ही। निकल यहाँ से। राइट में गाड़ी खड़ी की है। भीख मांगने? तुम कितना झूठ बोलती हो, फ्रॉड हो। अच्छा देखो तो कौन बोल रहा है। मैं शरीफों को नहीं लूटता। अगर आप करोगे तो रॉबिन हुड कहलाओगे, और अगर मैं करूँगी तो फ्रॉड है। आप अपने लेवल पर काफी बड़ा बड़ा काम कर रहे हो, और मैं अपने लेवल पर छोटे मोटे फ्रॉड से काम चला लेती हूँ। छोटे लेवल पर भी इतना सारा झूठ? सर, मैं जो झूठ बोलती हूँ उसमें थोड़ा बहुत सच होता है। वो शादी के लिए हमने जो पैसे लिए वो शादी के लिए ही है, ये सच है, पर हमारी शादी के लिए है ये झूठ है। ओ, अच्छा, और मुझे जो अपाहिज बनाया था वो सब क्या था? उसमें भी थोड़ा सच है। वहाँ देखिए, ये मेरी बहन है। क्या सर, जज्बाती हो गए? आप भी ना, पता है आपको इस दुनिया में जज्बाती होने का कोई फायदा नहीं है। जज्बातों की कद्र कौन करता है? बिल्कुल सही। यहाँ सब कुछ यही संभालती है? हाँ, सब कुछ यही संभालती है, लेकिन ये तो हमारे परिवार की भी नहीं है भैया, और वो लड़की उसकी बहन भी नहीं है। वो तो 8-9 साल पहले स्कूल से लौटते वक्त गलती से यहाँ आ गई थी, तब से वो इधर ही रहती है। हमने उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, हम उससे बहुत प्यार करते हैं भैया। अब तो बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती है, खूब पैसे भी कमाती है, और कभी कभी हम लोगों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी लेकर आती है। भैया खर्चे के लिए हम लोगों की मदद भी करती है, दिल की बहुत साफ है, बहुत अच्छी लड़की है वो। हाँ मैं आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। 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 ओके, इधर आइए। सब लोग आगे आइए, प्लीज आगे आइए जल्दी। सर कुछ जरूरी बात करने वाले हैं, आगे आइए। सुन लिया, लुक हियर, किसी भी पुलिस स्टेशन में सीबीआई रेड या इनकम टैक्स रेड के लिए कोई हेल्प मांगे या कोई सस्पिशियस फोन कॉल आए तो हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म करना है। इस शहर का हर पुलिस स्टेशन या आस पास के गाँव के हर पुलिस स्टेशन में खबर पहुँचनी चाहिए। सर, अब मैं देखता हूँ वो लोग कहाँ कहाँ रेड करते हैं, जमीन में दफना दूंगा। हैदराबाद में पहली बार आए हैं, जो कुछ करना है संभल कर करना होगा। आप लीडर हैं। लीडर?
मुझे क्यों लीडर बना दिया? मतलब कहने के लिए लीडर आप हैं, असली लीडर तो मैं ही हूँ। लीडर बना दिया, मुझे लीडर वीडर नहीं बनना था। कितनी बार कहा मुझे आपके पीछे ही खड़ा रखो तो ही अच्छा होगा। खुद डर रही हैं और मुझे भी डरा रही हैं। जहाँ से साहब 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 बात कर लेंगे, बात कर लेंगे। बात आप लोग कौन? मैं बोलता हूँ। मैं बोलूँ कुछ? टेल मी। नहीं नहीं यार, मैं बोलता हूँ सर। यस टेल मी। नहीं मैं बोल रही हूँ ना। मैडम को बोलने दो ना। मैं लीडर हूँ। सर मैं बोलता हूँ सर। अरे मैं बोलता हूँ। बोलो कौन है आप लोग? मैं बोलता हूँ ना। पेपर्स किधर हैं? कम ऑन शो मी योर पेपर्स। गिव द पेपर्स। Give me the paper. Show me Ahmedullah the paper, traders. Please. Second floor, Ahmedullah give traders. Give me the paper, I will this see. This is 401 Ahmedullah traders. First, give me second the paper, floor par please. क्या करती हैं मैडम? Excuse me, give me the paper. हम गलत जगह पर आ गए। बस मैं छूंगा और दे दूंगा। यहाँ रेड चल रही है, हमने आके रोक दी। क्या मैडम, बेवजह सर को डिस्टर्ब कर दिया। क्या बातें कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बताइए बात क्या है। तो सर मैं बोल रहा हूँ। रुक जाइए, मैं बोलता हूँ। आप लोग सीबीआई ऑफिसर्स हैं, हम लोग इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं। आप लोग रेड डालने आए हो और हम भी। हम लोग दूसरे माले पर जा रहे थे लेकिन गलती से पहले माले पर आ गए। आप लोग अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं। एनीहाउ सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलो चलते हैं, चलो निकलो यहाँ से। अरे जल्दी चलो ना। सॉरी यार, कंटिन्यू कीजिए। भाई आप लोग आगे चलो, हम पीछे से आते हैं। जाइए आप जाइए। अब हम क्या करेंगे बता दो। अरे रहमतुल्ला ट्रेडर्स। रहमतुल्ला ट्रेडर्स बोले भाईजान, वो देख रहे हैं बहुत बड़ी शॉप है। बड़ी शॉप है? हाँ। क्या चाहिए? पेट्रोमैक्स की लाइट। मेरे पास ये वाली लाइट है, बहुत अच्छी है। ये नहीं चाहिए। आप लीजिए। ये अच्छा नहीं है। आपको वाला चाहिए? सॉरी सर, पेट्रोमैक्स देखते हैं कहीं खड़े हो जाते हैं। गेट इनसाइड। उत्तम कुमार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। झांसी रानी, सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मुरली। हम लोग इनकम टैक्स ऑफिसर से रेट डालने आए हैं, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? मैं ऐसे ही आगे आ गया, कुछ सोच कर नहीं आया था। ये कैसे लोग हैं? सर्च, हर जगह सर्च करो, हर एक फ्लोर चेक करो, ये भी तुम ऊपर जाओ, कुछ भी छोड़ना नहीं। एवरी टेबल, एवरी कॉर्नर, एवरी ड्रॉ, चलो सब चेक करो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गेट अप, नीचे जाओ अभी। क्या भी नहीं है सर, अंदर ढूंढो मिलेगा। गोल्ड सिल्वर डायमंड्स कुछ मिला मैडम? यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे भाई क्या बताऊं, सारी फाइलों का सत्यानाश कर दिया। उठो सब लोग, मैट्रेस से हटो, हटो मैंने कहा। Wrong information. क्या है वो? क्या दिया उस लड़के ने? कुछ नहीं है सर। इनकम टैक्स ऑफिसर दिखाओ मुझे। कुछ नहीं है सर, इनकम टैक्स ऑफिसर है तो मैं क्या करूं? मुझे देखने दो। और मेरा कोई संबंध नहीं है सर। इनकम टैक्स ऑफिसर को ड्यूटी करने से रोक रहे हो? कुछ नहीं है सर, बोल रहा हूँ ना। कोई अच्छा भारी वाला डायलॉग तो बोलो। एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। शोले में धर्मपाजी ने बोला था सर। एक एक को चुन चुन के मारूंगा। और कुछ? सर कोई दूसरा डायलॉग याद नहीं है मुझे। खून पी जाऊंगा।
सबका खून पी जाऊंगा। माँ कसम, कसम पैदा करने वाले की, सब कुछ सीज कर लो, एक भी बॉक्स छूटना नहीं चाहिए। चलो जी सर। इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। साइन कीजिए। किसी को मत छोड़ना, सबसे अलग अलग स्टेटमेंट लो। क्विक। इन्हें हमारी असलियत पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो धोड़ा लेंगे। यहाँ से जल्दी निकलते हैं। मान गए तुम तो कुछ भी कर सकते हो। कैसी हैं आप? आइए आइए, अंदर तो आइए। आपका घर? हाँ, मेरा घर है। वापस ले लिया? हाँ ले लिया। जरा इनसे तो मिलो। कैसी हो? ये इंदुमती, ये शोभामती, ये गीतामती, दिव्यामती, भानुमती, इसका क्या नाम था? हाँ, रोमामती। चलिए अब ऊपर चलते हैं। आपका रूम ऊपर है क्या? मुझे सबके नाम याद नहीं रहते ना, और भी मती हैं जो ऊपर है। चलिए ना उनसे मिलवाती हूँ। आने में मजा आ गया। एक केला और चाहिए। और कितने केले खाएगा तू? चलो चलो चलो। अरे इसे ज्यादा मत खिलाओ, फट जाएगा। ये रहा चुने का डिब्बा, यहाँ रख देती हूँ। दीदी खुश हो ना? हाँ हूँ तो। अभी तो एक की ही शादी हुई है, 7 शादियाँ और बाकी हैं। सबकी धूमधाम से करेंगे। कैसे होगी? आप तो सबको दिल खोल कर बांटते हैं, और हम तो इसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते। और हाँ, ये सब करने के पीछे कोई वजह है क्या? अरे बताओ बताओ, कोई तो वजह होगी ना। याद कीजिए वो पीछे जाना क्या कहते हैं उसको, फ्लैशबैक कहते हैं। वही 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 वही। भाई के घर में कुछ हुआ होगा। भाई अगर आपके दिल में कुछ है तो हमें बता दीजिए, आपका दिल हल्का हो जाएगा। अगर इच्छा है तो ही बताइए, वरना नो टेंशन। सुनिए सर, कहानी बड़ी लंबी है क्या? बहुत नींद आ रही थी। ए तू चुप बैठ। बेटा तुम बोलो बेटा। पॉलिटिशियंस और वीआईपीज के यहाँ रेट डालने के लिए कहेंगे तो करेगा? हिम्मत है? जरूर करूंगा सर। और उसके बाद हमारी नौकरी को तेरा बाप संभालेगा। हम प्रॉपर ऑर्डर्स और हायर ऑफिशियल्स के परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकते, रिमेम्बर दिस। सॉरी। एक बात बता, तुझे कोई कहावत आती है क्या? अभी फिलहाल कुछ याद नहीं आ रहा है सर। लेकिन मुझे याद है, सुनाओ तुझे। सर अगर नदी की गहराई पता ना हो तो उसमें छलांग नहीं लगाते। समझ में नहीं आया ना? अपने बाप से पूछना, वही बताएगा। नहीं समझ में आ गया सर। ओके, इंटरव्यू इज ओवर, यू मे लीव। बाहर जाइए। थैंक यू सर। वो मुझे एक कहावत याद आ गई, बोलूं क्या सर? कमजोर इंसान को ताकतवर मारता है, और ताकतवर को ऊपर वाला मारता है। सही वक्त आने पर कोई ना कोई जरूर मारता है। वो जब मारेगा तब देख लेंगे। ए, मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं, सुनेगा? मैं चाहूं तो तुझे यहां आसानी से काम दिलवा सकता हूं, लेकिन उसके बाद जब तेरा बाप मेरे लिए चाय लाएगा तू मेरे सामने बैठकर चाय नहीं पी पाएगा। और तेरा बाप दरवाजा खोलकर बाहर चला जाएगा, तू उसे रोकेगा लेकिन वो अंदर नहीं आएगा। जानता है क्यों? क्योंकि यहाँ शेर मैं हूँ और सब शेर के सामने आने से डरते हैं। लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं तुझे काम जरूर दिलवाऊंगा, लेकिन तब जब तेरा बाप इस दुनिया से निकल लेगा। तुझे प्यून की नौकरी मिलेगी, मेरे लिए चाय लाएगा, मेरी कार का दरवाजा खोलेगा, तू यहाँ कुछ भी काम कर सकता है। अब तू एक काम कर, जाकर अपने बाप को बोल कि वो तेरी नौकरी के लिए या तो पैसे जमा करे या भगवान को प्यारा हो जाए। एक कहावत सुनाता हूं, चिड़िया कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना उड़े, वो शिकारी चील नहीं बन सकती है। निकल। बेटे आज इतना लेट क्यों हुआ? कुछ नहीं, वो जरा दोस्तों के साथ देर हो गई। ठीक है। अरे बेटा ये बता, इंटरव्यू कैसा रहा? सब सही से हुआ? हाँ, ना सब सही से हुआ। बेटा उस ऑफिस में तेरे बाप की बहुत इज्जत है, सबने तुम्हें इज्जत दी ना? हाँ, मैडम ने अच्छी तरह रिसीव किया। ठीक है बेटा। और वो उत्तम कुमार है ना, वो तो शक था मुझे कि वो घटिया इंसान उत्तम मेरी दुश्मनी का बदला तुमसे जरूर लेगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो अच्छा इंसान है। उन्होंने एक ही सवाल किया और मैंने उसका सही जवाब दे दिया। नौकरी मिल जाएगी ना? मिल जाएगी। बड़ी खुशी हुई बेटा। खाना खा ले। नौकरी मिल जाएगी कह रहा है और चेहरा एकदम उतरा हुआ है। अच्छा तो है। नौकरी पक्का मिल जाएगी ना बेटा? मिल जाएगी पापा, बहुत लोगों ने अप्लाई किया, हैवी कंपटीशन है, रिजल्ट आने के बाद देखेंगे। लेकिन तुम्हें तो नौकरी मिल जाएगी ना बेटा? कब से एक ही सवाल कर रहे हो, नौकरी मिलने के बाद खाना दोगे?
मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाने के लिए कुछ दो। ठीक है, शांत हो जा। बेटा, तुझसे किसी ने ये तो नहीं पूछा ना कि एक साधारण क्लर्क का बेटा होने के बावजूद भी तुझे एक बड़ा ऑफिसर क्यों बनना है? अब फिजूल की बातें मत करो। ड्यूटी करते करते तेरा बाप मर जाएगा तो उसकी पीयून की नौकरी तुझे मिल जाएगी, जाकर बाप को मरने को बोल। ऐसा तुझसे किसी ने कहा क्या? मैं हाथ धो कर आता हूं। चलो खाना खाते हैं। पापा, 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 आप क्या कर रहे हैं? पापा दरवाजा खोलिए, क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोलिए पापा, दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा पापा, पापा दरवाजा खोलिए। इतनी देर से अंदर क्या कर रहे थे? कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ, क्या क्या हाथ धोने के लिए बाथरूम भी नहीं जाने देगा क्या? ठीक है, पर मुझे कोई जवाब तो देना चाहिए था। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, आप अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दोगे तो मैं क्या सोचूंगा? तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं क्यों मरूंगा? हाथ पैर धो के खाना खाते हैं। अगर कल ये नौकरी मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा यार। अरे तू यार, मेरी मेरी बीवी भाग गई यार। उस दिन जो मैंने झगड़ा किया था ना, उसकी वजह से उन्होंने कहा मुझे नौकरी नहीं मिली। हम लोग को नौकरी कैसे मिलेगी? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। सबको पता चल गया होगा ना, बदनामी हो जाएगी। ठीक है, क्या तुझे नौकरी मिली? इधर ही बैठा है क्या? मुझे लगा तू भी मुझे छोड़कर भाग गया। कल से मैं बाहर नहीं निकल सकता ना। उस दिन उसे 75,000 दे देना चाहिए था ना। पैसे के बिना हमको नौकरी नहीं मिल सकती है? ये लोग हमारे साथ खेल खेल रहे हैं ना, चोर लोग। उस रात अपने दोस्त हरी को खो देने के बाद मैंने जिंदगी में एक बहुत जरूरी बात सीखी। आत्महत्या करना गुनाह है, पर पढ़ाई करने के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिलती और वो इंसान आत्महत्या करता है तो फिर वो आत्महत्या नहीं, खून होता है। मेरे दोस्त को
उन्होंने मारा, मैं चुप कैसे बैठता? कोई अपने डिपार्टमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है और आप लोग तमाशा देख रहे हैं। मिस्टर उत्तम, आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या करूं सर, अभी तक किसी ने कंप्लेन नहीं दी है। मैं सबके पास गया हूं, नॉट वन कंप्लेन और एनी एविडेंस। सर, अगर ये केस कृष्ण विश्वा को सौंप दे तो इसका हल जरूर निकल आएगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो जरूर आएंगे। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। सर, ये कृष्ण विश्वा कौन है? सर, कृष्ण विश्वा को नहीं जानते? माफ कर दीजिए, नादान है, इससे गलती हो गई। इसने जिस लड़की का रेप किया है वो सिर्फ 15 साल की है। सर, मेरा एक ही बेटा है। क्यों किया तूने ऐसा? मैंने अच्छी परवरिश दी है सर, दूसरे अक्यूज्ड को रेडी कर लिया है सर, और वो भी सरेंडर होने के लिए तैयार है। सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, मेरे परिवार के साथ। इस तरह से इमोशनल बातें मत कीजिए सर। क्या है सर ये सब? देखिए, बंदूक हॉलस्टर से गिर गई। अगर मैं आपकी पोजीशन पर होता तो शट अप सर। ये भगवान, ये सब क्या कर दिया आपने? ये आपने क्या कर दिया? आपके बच्चे ने गलती की, ये सुनते ही आपने अपने बेटे को गोली मार दी। आपकी जैसा ईमानदार ऑफिसर मैं आपके लिए क्या कहूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। Come on, everyone, salute. Yes sir. He is an inspiration for all of us. Honor this man. Salute. आपका नाम बदनाम नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, घर जाइए। यानी आपने अपने बेटे को गोली नहीं मारी, आपने गोली मारी इस वजह से आपको प्रमोशन मिला। ए, चुप बैठो, ये बातें करना जरूरी है क्या? किसी और के सामने मत कह देना। उत्तम, इस नकली रेड के बारे में किसी भी अखबार में क्यों नहीं आया? Why? सर, अभी तक किसी ने कंप्लेन नहीं की है और कोई एविडेंस भी नहीं है। सर, एक्सक्यूज मी सर, अगर इसके बारे में न्यूज़पेपर में आए तो शायद हमें इससे फायदा होगा। इससे काफी लोगों को रोक क्यों रहे हो? मजाक उड़ेगा तो उड़ने दो, ये खबर छपनी चाहिए। ओके, कल सारे पेपर्स में ये खबर छपनी चाहिए। ओके सर, तभी तो वो लोग डरेंगे। इनकम टैक्स के नाम पर नकली रेड डाली गई। बेटे, बाबा इधर आ। पापा जब कभी रेड पर जाते थे तो बताते थे ना, न्यूज छपी है कि हैदराबाद में एक नकली ग्रुप ने रेड डाली है, ये पढ़ो। हमारा डिपार्टमेंट भी इस जगह पर रेड डालने से डरते हैं, पर इनकी हिम्मत देखो, मानना पड़ेगा। लेकिन 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 क्या याद है, उस दिन पिक्चर देखने गए थे तो हीरो ने क्या डायलॉग मारा था? क्या डायलॉग मारा था? 4 लोगों की भलाई के लिए गलत काम करना भी गलत नहीं होता। तो ये गलत नहीं है बेटा? ये सब बहुत सही है पापा। राइट है, राइट है। ए, सिर्फ एक ही औरत को ढूंढा तुमने? सर, यही औरत थी, मैं इसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता, और इसके साथ जो थे उनका चेहरा भी मैं कभी नहीं भूल सकता। सुरेश, सर, यस सर, एड्रेस और फोन नंबर निकालो। लेकिन अभी निकालता हूँ। सर सर सर, एक मिनट। हाँ बोलिए। हमें उस ग्रुप की एक लेडी का फोन नंबर मिल गया है। ओह। जैसे ही लेटर मिलेगा हम उसे अरेस्ट कर लेंगे सर। वेरी गुड सर, एक्सक्यूज मी। चुप कर। वेट, ये जो कहना चाहते हैं कहने दीजिए। सर, इस ग्रुप में 5 लोग हैं, अगर हमने लेडी को अरेस्ट किया तो हो सकता है कि बाकी के 4 लोग भाग जाएं, और उनको अरेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई सुबूत भी नहीं है सर, ना ही कंप्लेंट है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सर, एक लेडी को अरेस्ट करना है तो प्रॉपर अरेस्ट वारंट होना जरूरी है। ये जो कह रही उसमें भी पॉइंट है, इधर दीजिए। क्या करना है आपको पता है ना? उसमें रखवा दूं क्या? एग्जैक्टली। सुरेश। यस सर। उसमें रख देना। ओके सर। इन्होंने क्या बोला तुम्हें समझ में आया ना? ठीक से रख देना। गुड नाइट सर। जरा सुनिए। हाँ? प्लीज एक्सक्यूज अस सर, सर ने क्या बोला मैं कुछ समझा नहीं। इसमें कुछ नहीं, कुछ नहीं,
तुम चलो। ठीक है सर। आपने कहा था फोन पर बात करते समय ठीक से आवाज नहीं आ रही है, चेक करने आया हूं। फोन पर बात करते समय आवाज नहीं आएगी तो दही बड़ा आएगा क्या? देखिए हमने कोई कंप्लेंट नहीं की है। नहीं मैडम, कंप्लेंट आई है, एक बार चेक कर लूं मैं। ठीक है कीजिए, ये आपको लेकर जाएगी। पानी मिलेगा? हाँ लेकर आती हूँ। हेलो, सुनाई दे रहा है? ठीक हो गया मैडम? पहले भी ठीक ही था भाई साहब। नहीं मैडम, अभी ठीक किया है। हाँ ठीक है, ले लीजिए। थैंक यू, थैंक यू मैडम। सर, उस नंबर से कॉल जा रहा है। सर सर, यस फोन। ओके, क्या चाहिए? चॉकलेट चाहिए। देता हूँ, हट ना सर। पापा पैसे दे देंगे। हाँ हाँ, सर आपके ग्रुप की एक लेडी का फोन नंबर ढूंढ लिया गया है, कॉल को टैप किया जा रहा है। कुछ भी हो कॉल अटेंड मत कीजिएगा सर, आप संभाल लीजिएगा सर, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं रखता हूँ सर। देखकर लगता है ये डर गए। सर, इट्स रिंगिंग अगेन, गेट रेडी, कम ऑन। वेट, मुझे लगता है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर हमने जिस टेलीफोन नंबर को टेप किया उस नंबर पर दूसरे नंबर से कॉल आ रहा है। सर रिकॉर्ड। हेलो। हेलो, क्या हो गया? कब से फोन कर रही, उठा क्यों नहीं रहे हो? मुझे वो चाहिए। बात क्या? पेपर में खबर छपी है, न्यूज आ रही है, हम फंस गए तो? देख लेंगे देख लेंगे, बस तुम डरो मत। अभी आगे क्या करना है ये बताओ। छोटा छोटा करके बोर हो गए, अब कुछ बड़ा करेंगे। बड़ा? हाँ बड़ा, वही गवर्नर का घर, सीएम का घर, ऐसा कुछ। इसका मतलब? और हाँ, वो सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे मगरमच्छ है, किसी बड़े मगरमच्छ को अपने झांसे में ले लेंगे। मगरमच्छ को झांसे में लेंगे? मैं कुछ समझी नहीं। दीदी, वहाँ जो लोग काम करते हैं वो सही से नहीं करते हैं, और जो अच्छा काम करना चाहते हैं उन्हें वो नौकरी नहीं देते। जब तक ऐसे बेवकूफ लोग वहाँ भरे पड़े हैं तब तक हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी कंप्लेन देने में किसी की हिम्मत नहीं है, ना ही कोई एविडेंस है, तो वो हम लोग को नहीं पकड़ पाएंगे। ये क्या कह रहे हो तुम, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम लोग काबिल नहीं है ये कहकर उन्होंने नौकरी नहीं दी। मतलब वहाँ जो काम करते हैं वो अपने आप को काबिल समझते हैं, तो आने दो, ढूंढने दो। अगर कोई हम सबको पकड़ना चाहता है, हमारी पहचान मिटाना चाहता है। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है? Hello? तो हम उनको जड़ से मिटा देंगे। मुझे कुछ हम सब एक टीम बनकर खड़े Hello? रहेंगे, फिर देखते हैं। क्या कह रहे हो? टाइम प्लीज, फिर देखते हैं जीत उन बेवकूफों की होती है या फिर हमारी, कौन पड़ता है किस पर भारी।
बोलो बेटा। कैसे हैं? सब ठीक तो है? हाँ बेटा, सब ठीक ठाक है। मैं आराम से रह रहा हूँ, हमारे बारे में चिंता मत करना। तू जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। अगर मैं साथ रहता तो शायद तू ये सब नहीं कर पाता। तू जो सोच रहा है वो गलत नहीं है। तुझे जब भी टाइम मिले आकर मुझसे मिल लेना। पापा चिंता मत करना, ख्याल रखना। ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। मिस्टर उत्तम, इतने दिनों से आप ही इस केस को हैंडल करते आ रहे हैं और इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा होगा। मैं टेक ओवर करूंगा तो हो सकता है हमारे अहम टकराएं, इसलिए मेरे और आपके बीच में ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप आगे खड़े रहकर काम कीजिए, मैं पीछे रहकर आपकी हेल्प करता रहूंगा। देखिए, मैं ऐसा इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से हमारी सीक्रेट्स बाहर जा रही है। यू नो व्हाट आई मीन? सो इन लोगों की नजरों में आप डायरेक्ट विलेन बने रही है और मैं इनडायरेक्ट विलेन बनता हूँ। समझ गया सर। यस, तो हम ऐसा ही करते हैं। अरे अच्छा, सब ऐसे शांत रहेंगे तो कैसे चलेगा? लड़की को बुलाइए। हाय, आई एम चक्रवर्ती, ग्लैड टू मीट यू। How are you? Very good. ये आपकी दूसरी बेटी है क्या? बहुत खूबसूरत है। हाँ भाई, मेरा बेटा भी धर्मेंद्र से कम नहीं है। डाउट है तो देख सकती है। अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो इन दोनों की शादी एक ही मुहूर्त में एक साथ करवा दें क्या? गलत मत समझिएगा, जो मन में था वो बोल दिया। अच्छा छोड़िए, लड़के लड़की को अकेले बात करने के लिए भेज दीजिए। ये लोग कुछ फैसला करें तो फिर हम लोग आगे बढ़े। वाओ, ब्यूटीफुल आइडिया। एक कप गरम कॉफी और एक जरूरी बात पूछ सकते हो, यही ठीक रहेगा? पूछो पूछो। है क्या? है क्या मतलब? नहीं, आपको ऐसा कोई आइडिया है क्या? किस आइडिया के बारे में पूछ रही हो? चाहिए या फिर नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए, थोड़ा क्लियरली समझाओ ना। सर, बहुत दिनों से आ रहे हो और जा रहे हो तो मुझे ऐसा लगा कि मुझसे प्यार करते हो क्या, इसलिए हाँ या ना पूछ रही थी। नहीं है तो ठीक है, पर अगर है तो उसके लिए कुछ बात करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने पूछा। बहुत ज्यादा सोच रहा है। हाँ ही बोलने वाला है क्या? नहीं। अरे नहीं यार, मैं जो काम करता हूँ उस बारे में सोचूं तो मेरी वजह से तुम्हें कुछ। सर समझ गई, जिस मामले के बारे में आप कह रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी, ये मैं समझ रही हूँ। मना कर दिया ना, आप कहानी क्या सुना रहे हो? अगले हफ्ते मेरी दीदी की सगाई है। अच्छा? उसके लिए फ्रेंड के तौर पर आप आ सको तो आ जाना। जरूर। नहीं आएंगे तो भी चलेगा, पूछना ही नहीं चाहिए था। अच्छा वैसे कॉफी दुकान में जाकर खुद ही पी लेना। लड़का लड़की अकेले में बात करने वाले हैं, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। अरे बाप रे। मेरा नाम कपिल गावस्कर है। नाइस नेम, कपिल गावस्कर। किसी क्रिकेट प्लेयर का नाम लगता ऐसे है। क्रिकेट तो मैं भी खेलता हूँ। अच्छा? ए फ्रॉड कहीं की, कब से देख रहा हूँ असंस्कार बातें किए जा रही है। हा? लगता है तू यहाँ शादी करके रहेगी। मैंने खुद आपसे पूछा था हाँ या ना, आप ही ने मना कर दिया।
ये शादी कितनी मुश्किल से हो रही है ये आपको पता भी है? मैं कोई गड़बड़ नहीं करना चाहती, और इन्हें देखो तो बिल्कुल टीवी एक्टर की तरह लगते हैं। कितने गोरे चिट्टे हैं, हमारी जोड़ी अच्छी है ना भाई साहब? देखो बस हुआ। बस हुआ क्या? बस हुआ तुम्हारा ये नाटक? बस इसे बंद करो, समझी? क्या है? नाटक बंद करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे रे रे, इतने दिनों से मुझसे प्यार करते हैं नहीं कहा, अभी बोला इन्होंने। आप सच में मेरे लिए बहुत लकी हैं। वैसे ये शादी कब होने वाली है? हाँ बोलूंगी तो 10 दिन में हो जाएगी। अच्छा तो सुनो, नीचे जाकर तुम हाँ बोल दो। बोलना इस मूली के छिलके को पसंद करती हो। तुम्हारी दीदी की शादी में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और फिर दीदी की शादी होने के बाद समझ गई? सुनी, आपने इसे इतना सब समझाया, अगर इसने बाहर जाकर किसी को बता दिया तो? कौन? ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। ठीक है नीचे जाओ, जोड़े की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ कर, लव बर्ड्स की तरह जाओ। स्माइल कर, स्माइल। चेहरा क्यों लटका है? मैं? तू भी। अरे ये क्या है, फिल्मों की तरह इन्हें बांध कर रखा है। फर्स्ट टाइम किडनैप किया है, इसलिए थोड़ा फिल्मी हो गया। सर, इस शहर में किसी को भी पुलिस बनना है तो ये पांचों लोग सोचेंगे तो ही होगा। ये कमीने लोग टीचर की नौकरी के लिए भी रिश्वत लेते हैं। आइए दिखाता हूँ, उसको देखो। वो बालवाड़ी टीचर की पोस्टिंग के लिए 10,000 रुपए लेता है, और ये 10वीं और 12वीं के टीचर पोस्टिंग के लिए कई लाख लेते हैं। जहन्नुम में जाओगे। माँ बाप भीख मांगकर पढ़ाई करवाते हैं, उस पढ़ाई को सिखाने के लिए हम जैसे बीएड एमएड किए हुए को पोस्टिंग के लिए भीख मांगने पर मजबूर करते हो तुम। पुलिस बनने के लिए इनको रिश्वत देनी पड़ती है। शुरुआत ऐसी हो तो ड्यूटी पे ध्यान थोड़ी रहेगा, तुम्हारी तरह रिश्वत पर ही रहेगा। एक सीट के लिए 10 आदमी रहे तो ठीक है, लेकिन 10,000 लोग रहेंगे तो? तेरा ज्ञान का पिटारा जरा बंद कर। इस काम के लिए जो 10 लोग काबिल हैं उन्हें ही ये काम मिलना चाहिए, समझा? अब से रिश्वत लेके काम देना बंद, बल्कि उसका उल्टा होगा। ये पैसों से भरा बैग लो। बैग देना, ये लो तुम्हारी अमानत। अब से तुम लोगों को एक ही काम करना है, तुम्हारे पास जो लिस्ट है उसको फाड़ देना, और जो वाकई उस काम के काबिल है उसे ईमानदारी से वो काम दे देना। अच्छा, ये रिश्वत के पैसे किस लिए हैं? आप ही बता दीजिए ना सर। ताकि तुम लोग रिश्वत ना लो। बोलो, ये रिश्वत के पैसे किस लिए हैं? रिश्वत नहीं लेने के लिए है। आज के बाद तुम किसी भी गरीब या काबिल इंसान से रिश्वत नहीं लोगे। मन तो कर रहा है बैग में पैसे नहीं बम डाल दूं। नहीं नहीं सर, आप बम मत डालिए, पैसे ही डालिए सर। कभी कभी बुराई को मिटाने के लिए खुद भी बुरा बनना पड़ता है। उन्हें हमारा नंबर भी मिल गया और घर भी ढूंढ लिया, अब हम लोग फंस जाएंगे। आधे तो पहले ही फंस चुके हैं, अब जल्दी ही पूरी तरह से फंस जाएंगे। हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हमारी ऐसी हालत हो जाएगी। सर, अब मुझे मेहनत करके पैसे कमाने पड़ेंगे ये सोचकर ही सर घूम रहा है। बहुत सारे पैसे हमने बक्सों और पेटियों में देखे हैं सर, अगर उसी तरह से एक बार अपनी आंखों से देख लूं तो सर मेरी जिंदगी सेटल हो जाएगी। सर पहले की तरह प्लान करके एक बड़ा हाथ मारते हैं, फिर मैं कहीं दूर जाकर सेटल हो जाऊंगा। अरे मैं ही क्या सर, अपने ग्रुप में जितने लोग हैं सभी सेटल हो जाएंगे। मुझे अपनी सारी बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से करनी है, कोई आइडिया निकालो। हर रोज डर के साए में जी रहे हैं हम लोग, हम कहीं फंस ना जाए। जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे, कोई तो रास्ता निकालो, कोई आइडिया ढूंढो। और मैं ऐसी जगह चली जाऊंगी जहाँ मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा, वहाँ पर सब खुशी खुशी रहेंगे। कोई रास्ता निकालो। अंकल, अंकल, कहाँ हो? Wanted.
I am ready. My name is Prakash Jyoti Pandey, graduate with distinction. Ask the first question. Pardon? CBI walk-in interview. Oh, huh? It's going on there. I know, this is trial. Sir, my documents. Hello, line se aaiye. Next. Prakash Jyoti Pandey. सभी के बायोडाटा कलेक्ट कर लिए। ओह ग्रेट। रेडी हैं। स्टार्ट करते हैं। गेट अप। बैठने के लिए कहा क्या? आउट। इंटरव्यू में कैसे बिहेव करते हैं सीख कराओ। ओके, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आई एम नवनीत कृष्ण। रामनाथन। अरे जबराज। के कुंजी मोहन सर। आई एम कथकली डांसर। कैन आई डांस सर? नारायण मूर्ति सर। मूर्तिकला सर। करिकाला चोलन सर। उपलेपन सर। माय नेम इज मनमोहन सर। Many girls love me, sir. I don't love any girl, sir. Because I love only CB, sir. Aisha Begum. Paneer Selvam. Chidambaram. Bhai Bhavanan, sir. Vijay Khan. Wasim Khan, sir. I am Prakash Jyoti Pandey, sir. Prabhakaran, sir. Vannamati. You are appointed, beti. Ma'am. Apna naam kya bataya tumne? Vannamati. You are appointed. Tum ja sakti ho. Okay. Thank you, ma'am. Madam, dusre ko bulaye kya? I'm Kamini. Age 21. Vital stats 36 20 36. जाइए। आप परेशान मत होइए, बैठिए, मैं बात करता हूँ। प्लीज कम। नाम क्या बताया आपने? कामिनी। फाइल दिखाओ कामिनी। फाइल इतनी बड़ी है तो डिग्री भी बहुत बड़ी होगी। आप बाहर वेट कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। बाय बाय। अरे बाप रे सर। Why a CBI officer? CBI is more powerful than police. It has always been my dream to work as in CBI. I want to eradicate the antisocial element in our society, sir. I want to save my nation, and that is my only passion, sir. Sir, Papa hospital mein hai, sir. In India, always everyone become a cinema star and cricket player, sir. But I am always become only in intelligence, sir. It's been 40 years since we have attained our independence, but we are yet to develop like our neighboring countries. If you give me job, love it all, madam, sir. सर घर में बहुत तकलीफ है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, रो मत रो मत। If I get this job, my girlfriend will marry me, sir. What's the problem in our country? Corruption, sir, and I hate corruption. What's your name? Sashikala. Okay, good. Do you know driving? I have burned for driver, sir. My daddy is driving when I was burned, sir. That's why my name is Carmagan, sir. I have driver blood, sir. CBI का full form? Central Bureau of Investigation, sir. Central Bank of India, sir. Central Bank of India, sir. Central Bank of England, sorry. Central Bank of Iraq, sir. मैम मुझे प्लीज सिलेक्ट कीजिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सर। कलकत्ता बैंगलोर इंडिया सर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बॉडी ऑफ इंडिया सर। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ पोलिंग सर। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सर। CBI order. Sir, in the year 1941, a special police establishment was formed. But in the year 1963, they changed the name to CBI, Central Bureau of Investigation. Am I right, sir? I'm always prepared, sir. तुम इतने prepared हो, फिर अब तक नौकरी क्यों नहीं मिली? सारे interviews में मैं ऐसे ही जवाब देता हूँ, लेकिन मेरी ज़बान तेज़ चलती है, इसीलिए मैं reject हो जाता हूँ। हर सवाल का जवाब एक हो ये जरूरी तो नहीं है ना सर। अगर मेरे पास सवाल के तीन जवाब हैं तो आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। आप उसे कोई भी सवाल कीजिए, आपको मैं उसके तीन जवाब दूंगा सर। ओके। तुम्हारे पिताजी का नाम? मेरे साथ ऐसा ही होता है, जो मिलने वाला काम होता वो भी मेरी बातों से नहीं मिल पाता। सर मैं ये जानता हूँ ये नौकरी मुझे नहीं मिलेगी, पर मुझे सेकंड चांस देंगे क्या? मैं ये सेकंड चांस क्यों दूँ? करप्ट पॉलिटिशियन जब इलेक्शन में हार जाता है तो वो 5 साल के बाद वोट मांगने जनता के पास दोबारा आता है। उसको सेकंड चांस, थर्ड चांस, फोर्थ चांस भी मिलता है सर। जब ऐसे करप्ट लोगों को सेकंड चांस मिल सकता तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता सर? You may leave. Go. वो CBI में 2 साल काम किया, वो क्या था? मैडम, अब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रहा था कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। 1941 और 1963। पता है। सिर्फ चेक करने के लिए पूछ रही थी। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। All right, friends. हमें हमारे 30 लोग मिल गए हैं। Hope to meet you all soon. All the best. And keep trying. Thank you, sir. Okay, friends. Tomorrow morning, 9 o'clock. इसी जगह पर. Neat and sharp. Got it? Okay, sir. कल शेव करके आना. Okay, sir. मैं भी करके आऊँगा. Hey, Rupa, Papa, Riva, Papa, Papa, Papa. Hey, Rupa,
वेलकम बैक। आज हम सब यहाँ एक लक्ष्य की वजह से इकट्ठा हुए हैं। हमें करप्ट और बेईमान लोगों का पर्दाफाश करना है। तुम कौन हो? नो, तुम? वन्नमति। मैंने नाम नहीं पूछा। तुम? मनमदन सर। नहीं, तुम? सीबीआई ऑफिसर सर। क्या? सीबीआई ऑफिसर सर। सीबीआई ऑफिसर। पैदा होने पर हमें नाम दिया जाता है, फिर घर वाले, दोस्त, ये दुनिया सब हमें अलग अलग नाम देते हैं। पर किसी की मौत होने पर लोग क्या कहते हैं? पुलिस वाले की मौत हो गई, पोस्टमैन मर गया, पॉलिटिशियन मर गया, टीचर मर गया, चप्पल सिलने वाला मर गया। आपके काम को याद किया जाता है, आपके नाम को नहीं। आप जो काम करते हैं वही आपकी पहचान है। बोलो, आप जो काम करते हैं हमारी पहचान है। आपकी पहचान क्या है? मुझे सुनाई नहीं दिया। लेकिन ये सब टेम्पररी है। कल जो रेड होने वाली है वो आपके लिए एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। अगर ये सही हुआ तो वी विल कंटिन्यू। इन केस अगर हम साथ में काम नहीं कर पाए या तुम्हें अलग अलग टीम्स में भेज दिया जाए, तो अभी मैं जो कहने जा रहा हूं उसे अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लेना। सही गलत रिश्वत घोटाला इन बातों में उलझ कर रहने वाले हम आम इंसान नहीं, इस गवर्नमेंट को चलाने वाले ऑफिसर्स हैं। 5 साल में बदलने वाले इन नेताओं की हमें कोई परवाह नहीं। 50 साल तक यहाँ बैठकर काम करने वाले हम जैसे ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी कर्मचारी, अगर हम सब ईमानदार रहे तो इस देश में सब सही होगा। हम ईमानदारी से रहेंगे। यस सर। सुनाई नहीं दिया? यस सर। तुम 5 लड़कियाँ 100 के बराबर हो, पता है ना? जी सर। और चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकती हो, यकीन है? यकीन है। सुबोधनी, तुम्हारी पहली तनख्वाह। थैंक यू सर। All the best. सबको दे दो। मनमदन सर, इसी लड़की को हाँ बोलकर शादी कर लो। ओके सर, थैंक यू। यूं, मिस्टर प्रकाश पांडे, नौकरी मिल गई? तुम जैसे लोग सेकंड चांस नहीं, पहला ही चांस डिजर्व करते हो। सब में बांट दो जल्दी। You're all officially the most powerful officers of India. Are you proud to be a part of CBI? Yes, yes sir. Are you the best? Yes, sir. CBI means you're the best. Are you the best? Yes, sir. Meri ek aur baat yaad rakhna. Dil mein himmat aur kaam ke prati imandari ho, to hame kisi se bhi darne ki zarurat nahi. Kal subah 11 baje madam briefing dengi. Okay, okay sir. Hum jo karne wale hain wo first operation hai. Ye ek secret operation hai. इस रूम से कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए। अंडरस्टैंड? यस सर। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। डिस्पर्स। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। क्या देख रही हो? पता नहीं तुमने क्या जादू किया, हम कौन हैं ये भूलकर खुद को असली सीबीआई समझने लगे हैं। और नहीं तो क्या, हम सीबीआई तो हैं। हाँ, ये तो सही कहा। हम असली सीबीआई हैं। यप। मेरे बेटे की नौकरी के लिए तुम्हारे पास मैंने कितने चक्कर लगाए थे? What? आज जो होटल एम्बेसडर में सीबीआई के लिए इंटरव्यू हुआ था उसमें मेरा बेटा पास हो गया है। अब तू क्या करेगा? अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर उत्तम सर, आप? या, इट्स मी। जल्दी करो, अंदर जाओ। तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। सर हमें जल्दी से ऊपर जाना होगा, चलें। शैल वी प्रोसीड? सर जल्दी करो। थर्ड फ्लोर पर है, हमारे आदमी सारे फ्लोर पर हैं। आज वो बचकर नहीं जा सकते सर, मैंने देखा वही लोग हैं। चलिए सर, उन्हें अरेस्ट करते हैं। तुम सीढ़ियों से जाओ, पीछे का गेट बंद करो। Thank you.
रिलैक्स. व्हाट इज योर नेम? मैंने आका नाम पूछा. झांसी रानी. Ah, yes, Jhansi Rani. Sir. The great... Oh, big one. Freedom fighter. Naam kya hai? Meena Devi. To pehle Jhansi ki Rani kyun bataya? Meena Devi kehne se CBI officer nahi lagti na. Jhansi Rani, CBI officer. Aisa kahu to log darte hai na, sir. तुम लोग सीबीआई ऑफिसर्स हो, ब्लडी जोकर्स. जोकर्स, हे, टेक योर हैंड ऑफ. वी आर नॉट जोकर्स. वी आर जस्ट वीक पीपल अफेक्टेड बाय दिस ब्लडी करप्टेड सिस्टम. जस्ट बिकॉज़ वी आर डाउन, इट्स डजंट मीन वी कैन नॉट गेट अप. वन डे व्हेन वी ऑल ट्राई एंड गेट अप. तेरा उस ग्रुप से क्या संबंध है? तेरा उस दीदी से क्या संबंध है? सर, ए, हमसे खेल रहा है. आप और मैडम भी खेलते हैं क्या? ए, मार मार के हालत खराब कर दूंगा. इज्जत से जवाब दे. सर, अगर आप कहें तो मैं बाहर वेट करूं. नीचे जो वो ग्रुप इंटरव्यू कंडक्ट किया था, वो आप लोगों ने किया था क्या? जीवीआर ज्वेलर्स एक सोने की दुकान है. उसके लिए हम काफी नहीं थे और लोगों की जरूरत थी, इसलिए इंटरव्यू रखकर सिलेक्ट किया. सीबीआई का इंटरव्यू रखकर आप लोगों ने सिलेक्शन किया. तुझे शर्म नहीं आती? औरत होकर ऐसा काम करती है. ज्यादातर गलत काम तो मर्द ही करते हैं ना. जरूरत पड़ने पर अगर औरतें भी करें तो इसमें गलत क्या है? तेरी तो उस दिन भी बहुत ज्यादा बोल रही थी सर. पति का एक्सीडेंट होने के बाद वो बिस्तर पर आ गए और कभी ठीक ही नहीं हुए. फिर सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई. कई काम करने की कोशिश की, लेकिन जहाँ कहीं भी जाती लोग हमेशा गलत ही बात करते थे. ऐसे में मैं क्या करती सर? मैं जहाँ कहीं भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता हूँ, मेरे नमस्ते बोलते ही वो लोग मुझे भगा देते हैं. ऐसे नमस्ते करना मेरी गलती नहीं है सर. दरअसल मैं एक भरतनाट्यम डांसर हूँ, इसलिए वो सारे गुण मेरे अंदर आ गए हैं. अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं था. भाई ने मुझे सीबीआई ऑफिसर का काम दिया. वो असली नहीं है ये जानते हुए भी हमने ईमानदारी से काम किया. माई सीनियर सीबीआई ऑफिसर्स, आप लोग अपने दिल में कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि आप सच में सीबीआई ऑफिसर्स हैं? अब कोई इसे सच माने या झूठ माने, लेकिन मैं झांसी रानी हूँ, सीबीआई ऑफिसर. कल दोपहर 1 बजे क्या करने वाले हो? आप कल उस मैडम के साथ क्या करने वाले हो? इसके तो कल दोपहर 1 बजे कल 1 बजे हम लोग जीवीआर ज्वेलर्स में डाका डालने वाले हैं सर. अगर आप मना कर देंगे तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे सर. कल जो काम आप करने वाले हो वो थोड़ा रिस्की लग रहा है, अपना ख्याल रखिएगा. हाँ, काम तो रिस्की है, पर सच कहूँ तो मुझे अपनी जरा भी फिक्र नहीं है कीर्ति. फिक्र है तो बस संचारों की. वो लोग जैसे मेरे परिवार का हिस्सा हूँ, मेरे लिए बच्चे की तरह हैं. जो बोलता हूँ बिना सोचे समझे हाँ कह देते हैं, सवाल भी नहीं करते. इतना भरोसा कोई करता है क्या? ओके मिसेज मीना देवी और व्हाटएवर रानी, आपके घर के राशन कार्ड में इतना सारा क्या लिखा है? भानुमति, लालमति, फूलमति, शोभामति, शंखमति, सीनामति, हीरामति. ओके, अगर आप चाहती हैं कि इन लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं है सर, अगर आप कहें तो मैं ये रोक देती हूँ. नो नो, ये रेड जैसा तुम लोगों ने प्लान किया है वैसे होनी चाहिए. रेड के लिए वो उत्तम वहाँ पहुँचना चाहिए. फिर तेरे उस भाई के अलावा तुम में से किसी को कुछ भी नहीं होगा. सर, आप उसका क्या करने वाले हैं? क्या क्या पूछा तुमने? सर, आप कुछ भी कीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए सर, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज सर, प्लीज सर. मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा. पता है क्या, मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो चलेगा, पर उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए. मैं चाहता हूँ वो इस सबसे सेफली दूर हो जाए. आपकी हर बात मानूंगा सर, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन मेरे साथ कुछ मत कीजिए सर. चल इधर. सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी. करोगी? श्योर? हाँ सर. कल अगर सब प्लान के हिसाब से हुआ तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा. देखो, तुम ऐसी बातें मत कहो, मैं सच में कमजोर पड़ जाऊंगा. क्यों ना कहूँ, मुझे फिक्र तो होगी ना. सर, गन थोड़ा हटाइए ना. अब खुश? मैं चलता हूँ. क्यों मिस्टर विश्वा,
अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई है? आपने उन लोगों को पकड़ लिया ना, कल ही उन्हें कोर्ट में पेश करके सजा दिलवा दो और केस को क्लोज कर दो। अगर हम ऐसा करेंगे तो बिना एविडेंस के वो लोग बाहर निकल जाएंगे। आपने ऐसे बहुत से केस देखे होंगे सर। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट सर, मेरा मानना है गलती करने वालों को कठिन सजा देंगे तो ऐसी गलती रोक सकते हैं, और जो गलती नहीं करता है उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए सर। बड़ी गलती करने वाला उस गलती से बच नहीं सकता, ये खौफ उसके अंदर होना चाहिए, तभी वो इंसान सुधर सकता है। और दूसरा इंसान ऐसी गलती करने से हमेशा डरेगा सर। स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बिना अगर उनको अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे तो चुटकियों में वो बाहर निकल जाएंगे सर। अभी उन लोगों ने चोरी करने का प्लान किया है, केस अभी नहीं रुकेगा। उन लोगों के साथ क्या करना है ये डिसीजन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने सब कुछ सोच कर रखा है। मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। आई अश्योर यू किसी को पता नहीं चलेगा और नाम भी खराब नहीं होगा। ओके दैट्स इट, इतना काफी है सर। थैंक यू। Thank you. नमस्ते सर, यहाँ पर आइए। उत्तम, जॉइंट डायरेक्टर सीबीआई। सर लेकिन हमने क्या गलती की है? जेन्युइन बिजनेस है सर, सारे के सारे बिल संभाल कर रखे हैं। सीबीआई का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। बिजनेस तो सही है ना? हाँ सर। तो घबराना क्यों? इसी डर का फायदा उठाकर वो खेलते हैं साथ। क्या खेल रहे हैं सर? आइए बताता हूँ। 2 घंटे के अंदर वो लोग रेड डालेंगे। वो हमारे जैसे असली सीबीआई वाले नहीं है, वो चोर है। उनके आने से पहले यहाँ से सारे गहने हटा दीजिए। ठीक है सर। हम असली वाले गहने पैक करेंगे और अपने साथ ले जाएंगे। हाँ, नकली गहने शो पीस में रख दीजिए ताकि उन्हें शक ना हो। ओके सर। हमारे प्लान के बारे में उन्हें किसी भी तरफ पता नहीं चलना चाहिए। आप लोग नॉर्मल रहें, वो पकड़े जाएंगे। ओके ओके सर।
कैमरा चेक करो। ओके सर। यही उनके खिलाफ एविडेंस होगा। सर, सुपर सर, वेरी गुड सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रकाश पांडे, yes, हम लोग आगे जा रहे हैं, तुम इन सबको लीड करना। मैं सर? थैंक यू सर। सर एक डाउट है, सपोज आप लोगों को लेट हुआ तो ये रेड मैं पूरी कर दूं क्या? मिस्टर प्रकाश पांडे, तुम्हारी जो जबान है ज्यादा चलती है ना, अब से नहीं चलेगी सर, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। थैंक यू सर। चलो चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो। विठल राव, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं निकल रहा हूँ सर, अब भी निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ सर। बी वेरी केयरफुल। यस, नो प्रॉब्लम सर। ए जल्दी, सब लोग आगे आइए, सबको बहुत ही केयरफुल रहना है। चलो बस उस तरफ जा रही है और हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं? भाई तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, बस उस तरफ जा रही है। क्या है ये, हम लोग एक ही जगह घूम रहे हैं। ये चौथा राउंड है अपना। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं। सब ठीक है ना? सब ठीक है। क्यों भाई, रेडी हो ना? सब कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम। पक्की हो जाएगी ना तो देखना, मैं अपना खुद का घर बनाऊंगा। कहाँ? मॉडल टाउन में, वहाँ पर एक अच्छा प्लॉट खाली है। वैसे आपकी शादी हो गई क्या? नहीं सर। और आपकी? नहीं सर। मेरा नाम प्रकाश ज्योति पांडे है। वैसे मैं पिछले 30 सालों से एक सीबीआई लड़की से शादी करना चाहता हूँ। सर, इस ऑपरेशन के बाद क्या मुझसे शादी करना चाहेंगी? सर क्या है यार, बाथरूम। तुम सीबीआई ऑफिसर हो ना, कंट्रोल करना नहीं आता? अपना पैर सीधा करो, कंट्रोल हो जाएगा। अभी थोड़ा बिजी हूँ। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, ओके सर, अटेंशन, यस सर, स्टैंड एट ईज, ऐसे ही बैठे रहना, मैं बस अभी आता हूँ। अभी के लिए आप इंचार्ज। ओके सर। ओ भाई साहब, जरा इधर आएंगे। कौन, मैं? जी हाँ भाई, आप ही को बुला रहा हूँ, आइए ना। उससे पता नहीं कि मैं सीबीआई में हूँ, मैं उससे बात करके अभी आता हूँ, एक मिनट ना। साइड हटो, मुझे बिल्डिंग देखनी है। अब होगा हंगामा। यहाँ कुछ होने वाला है? आप सीधे दिख रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर सीबीआई की रेड होने वाली है। ओ, आप सीबीआई से हैं? यकीन नहीं हो रहा ना, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा है। कल ही मुझे ये नौकरी मिली और आज हम सीक्रेट ऑपरेशन पर हैं। वैसे यहाँ पर मैं अकेला सीबीआई ऑफिसर नहीं हूँ। वो जो बस खड़ी है ना, उसमें 30 सीबीआई ऑफिसर्स बैठे हैं। क्या कहा, 30? हाँ। सर आप कौन सा तेल बालों में लगाते हैं, प्लीज बताइए ना। देखिए ना, मेरे बाल झड़ रहे, मैं गंजा होने वाला हूँ सर। मैं खुद लगा दूंगा। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं क्या आप? वैसे हम पहली बार मिले हैं सर, और आज गर्मी भी बहुत ही ज्यादा है, तो एक कोल्ड ड्रिंक पी के सारी गर्मी भगा देते हैं, मेरी जॉब लगने की खुशी में। सब लोग बाहर जाइए। अगर इसके बारे में न्यूज़पेपर में आए तो शायद हमें इससे फायदा होगा। उनको अरेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है सर, ना ही कंप्लेंट है, हमारे पास कुछ भी नहीं है सर। सर, तुम वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे? सर ऑन द वे सर, ओवर। वहां पहुंचते ही मुझसे कांटेक्ट करना, ओवर। यस सर, थोड़ी देर में पहुंचाऊंगा सर, यू डोंट वरी सर, ओवर। रघु, जिस गाड़ी को फॉलो करने के लिए कहा उसे ही कर रहे हो ना, ओवर। हाँ सर, उसी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं सर। गुड, कीप फॉलोइंग, ओवर। अगर सारे ऑफिसर्स रेडी हैं तो आप रेड क्यों नहीं करते? यहाँ पर भागना नहीं होने वाला सर, रेड होगी, सीबीआई रेड। हम बॉस का वेट कर रहे हैं। लेकिन बॉस तो आप ही हैं। बॉस तो हूँ मैं,
लेकिन सिर्फ उन 30 लोगों का मैं बॉस हूँ। मेरे ऊपर एक बड़े बॉस हैं। जब वो आएंगे तभी रेड शुरू होगी, हम उनका ही वेट कर रहे हैं। सर आपके लिए साहब का फोन है। आप रुकिए, मैं बात करके आता हूँ। भाई एक्सक्यूज मी, मेरी शर्ट क्यों पकड़ रहे हो? दिमाग खराब है क्या? बॉयज डोंट शूट, इससे गलती हो गई। चलो मैं आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। अरे आओ ना, कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। चलो रेड खत्म होने के बाद आपको मूवी भी दिखाऊंगा, आ जाओ। वैसे अगली रेड हम सिनेमा हॉल पर ही मारने वाले हैं, ऊपर से ऑर्डर आए हैं। हेलो, सुनिए सुनिए, ठीक है बात कर लीजिए आप, मैं यहीं पर हूँ। कमजोर इंसान को ताकतवर मारता है तो उसे ऊपर वाला मारता है, और अगर नहीं तो कोई ना कोई उसे जरूर मारता है। क्यों, कहावत याद है ना सर? प्रॉब्लम बताइए, मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ। वो पहले ही रेड डालकर चला गया। उसने रेड डाली तो हम यहाँ किस लिए हैं? हम 30 ऑफिसर्स यहाँ पर सुबह से वेट कर रहे हैं। सर ये सब क्या हो रहा है? सर हमारी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सर क्या बात कीजिए सर। सुनो, तुमसे एक बात कहनी है। वो बात ये है कि तुम कहाँ हो अभी? कम इन, कहाँ हो तुम? सर लोकेशन बताओ। सर ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है सर, ओवर। मुझे किसी ने कॉल किया था, तुम्हें जहाँ भेजा है वही जा रहे हो? आपको पता चल गया सर? सॉरी ब्रदर, आप बहुत जीनियस हो सर, आपने जल्दी पता लगा लिया। ए बेवकूफ, अगर तुम मेरे हाथ लग गया ना। कौन बेवकूफ है सर? आप और आपकी पूरी फैमिली बेवकूफ है सर। आपके पिताजी बेवकूफ, आपके दादाजी बेवकूफ, आपके मामा जी बेवकूफ, आपके परदादा बेवकूफ, आपकी तो पूरी फैमिली बेवकूफ है, और सबसे बड़े वाले बेवकूफ तो आप हैं सर। तो कौन बेवकूफ निकला? बड़े बड़े प्लान बनाकर हम लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। इसको ठोक कर उड़ा दो। जीप स्टार्ट कर, स्टार्ट कर। गाड़ी निकालो। सर आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना सर? I'm perfectly fine. मैं जो कह रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है सर? हाँ ठीक, आपको कान से बराबर सुनाई दे रहा है ना? तो फिर ये चेन निकाल करके मुझे दीजिए। दीजिए सर, दीजिए जल्दी जल्दी। ये सर नहीं 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 आराम से आराम से सर, जल्दबाजी मत कीजिए, सब ठीक होगा सर। आपने तो कहा था जरूरत की चीज़ें बाहर निकाल लो। मेरा पैर फंस गया। उठा उठा जल्दी निकालो। आराम से आराम से, आराम से।
चलो 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 तुम लोग काम करो, गाड़ी में बैठो। दीदी गाड़ी में बैठो, आप जाइए ना। ये सब मेरी वजह से हुआ ना। बोल रहा हूँ वो कीजिए ना, आप जाइए जल्दी कीजिए। छोड़कर नहीं जाऊंगी। गाड़ी में बैठिए। नहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी। यकीन कीजिए मुझे कुछ नहीं होगा। जाइए जल्दी कीजिए, जाइए। मेरा पैर फंस गया। हाथ तो हाथ तो जल्दी दर्द हो रहा है। आराम से करो, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे और लोगों की जरूरत है। ए, तुम ये सर। सर, ये सर। मैंने पकड़ लिया सर। सर, इसका गैंग यहाँ से भाग गया सर। जाइए पकड़ लीजिए सर। सर, हार्बर के पास रेलवे स्टेशन पर है। और ओके, मैं आ रहा हूँ। सर, गाड़ी की चाबी दीजिए सर, बाकी सब मैं संभालूंगा। वाह, अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। मुझे ही दिखाओ, गुड ट्राई। ए, तुमने अब तक दूसरों के सामने खुद को बेवकूफ साबित किया होगा, बट नॉट तुम क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक हो, गद्दार हो। तो फिर यही है वो? हाँ मैं ही हूँ। इस उम्र में गन के साथ खेलना सही नहीं है, क्या हुआ? डर लग रहा है? किसकी उम्र? मेरी? नेवर। आप लोगों से तो ये लोग अच्छा काम करते हैं, इसलिए मैं इनके साथ मिल गया। मुझे आपको धोखा नहीं देना था सर। ठीक है, हमें अरेस्ट कीजिए, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे बस आपसे दो बातें कहनी है। सबसे पहली बात, आपके डिपार्टमेंट का काम मुझे करना पड़ा। लिस्ट में से जिस जिस का नाम मिटा दिया गया था, हमने उसके घर में रेड डाली। इसमें गलत क्या क्या, बताइए ना सर। और हाँ, दूसरी बात, हम लोगों ने रेड का पैसा बिल्कुल सही जगह खर्च किया। और वहीं आप लोग जो रेड डालते हैं, उसके पैसे का क्या होता है, वो कहाँ जाता है, हमें कुछ भी नहीं पता। मजे की बात तो ये है कि हमें उसके बारे में पूछने का कोई हक भी नहीं है। यही पैसा समाज के सुधार के लिए कितना काम आ सकता है। जो लोग काबिल हैं, ईमानदार हैं, उन्हें उनका हक मिल सकता है सर। इस जगह को चारों तरफ से घेर लो। जिसके पास पैसा है वो अपनी जिंदगी मजे से जी सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है उसे तो जो मिली वो उसे जैसे तैसे जी जाता है और फिर रो रो कर मर जाता है। क्या उन्हें सही जिंदगी जीने का हक नहीं? और इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि अब से मैं उनके लिए जीऊंगा और उन्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा। ऐसे में हमने क्या गलत किया सर? हम तो समाज की गंदगी को। तुझे ऐसे ही छोड़ दिया, वो मेरी गलती थी और तू इनके साथ है। देखिए, आगे से मैं आपको बेवकूफ कभी नहीं कहूंगा सर, प्लीज सर, समझिए ना सर, सॉरी सर। सर, आप क्या देख रहे हैं? शूट कर दीजिए इन दोनों को। मिश्रोत्तम, इन्हें जानते हो? ओहो, आपको पता नहीं है सर, ये वही आदमी है जिसने मुझे उत्तम कुमार बनाया। What? इसी की वजह से उस तरफ रहने वाला इंसान आज इस तरफ है। मेरे साथ जो करना है वो कीजिए, इसकी इंक्वायरी जरूर कीजिएगा। सर, अरेस्ट हिम। What? पूरी इंक्वायरी के बाद ही कुछ करेंगे। अरेस्ट हिम। सर, ऐसे इंसान को अरेस्ट नहीं, शूट करना चाहिए। सब लोग देख रहे हैं, अरेस्ट देम। आप मुझे ये गन दीजिए, मैं इन्हें शूट कर दूंगा। सर सर प्लीज सर 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 आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? अरे ये पागल हमें मार सकता है। उत्तम, क्या बोला? कुछ नहीं। आप क्या बोला तूने? इसकी हिम्मत देखिए, जैसे ये बंदूक पर हाथ रखे इसे उड़ा देना। ये तो क्या बोल रहा है? यहाँ और कौन है? किसके पास गन है? नहीं नहीं सर, मेरे पास नहीं है सर। सर, गन दीजिए, बंदूक पर हाथ रखते उड़ा देना। आप गोली मारिए ना सर, मैं आपसे थोड़ी ना बात कर रहा हूँ। वो गोली मार सकता है, वो पागल है, तू ये क्या बोले जा रहा है? जरा सोच समझ के बोल। सर 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 सर, बंदूक मत लीजिए सर। बंदूक को हाथ लगाते ही, ए, कौन है यहाँ? अरे आप क्यों डर रहे हैं? आप गोली मारिए ना, मैं तो ऐसे कह रहा था। भाई, इसको गोली मार दे। यहाँ कोई भाई भाई नहीं है, बस डरा रहा है मुझे। या डर गया मुझसे? नहीं, नहीं, नहीं सर, सर
मरेगा तू। सर हमें धोखा दिया। सच कह रहा हूँ आपसे, मुझे कुछ नहीं पता सर। ए, अगर मर्द का बच्चा है तो बच के दिखा। आंखें तो गोली मारने के बाद वैसे ही बंद हो जाएंगी। सर, सर क्या हुआ सर? नहीं नहीं, गोली किसने चलाई? पूरी उंगली चली गई। आप बैठ जाइए, घुटनों पर बैठ जाइए ना। घुटनों पर नहीं बैठ रहे। दिखाइए सर, दिखाइए तो हाथ। उंगली चली गई, बीच वाली उंगली गई। किसने मारी होगी? वैसे ये दर्द कुछ नहीं है सर, अब से तो आप बड़े दर्द की आदत डाल लो। काबिल और ईमानदार लोगों को दबाओगे तो ऐसे उठ खड़े होंगे, और जो रिश्वत खोर और करप्ट हैं, वो आगे चलकर कभी ना कभी ऐसे ही धूल चाटेंगे। पैसा 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 पैसा, और एक ना एक दिन यही पैसा इन्हें ले डूबेगा। और इसके लिए हम सबको शराफत के रास्ते पर चलकर आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया बनानी होगी। वैसे तूने क्या बोला था, मर्द है तो बच के दिखा। मैं सिर्फ मर्द ही नहीं, मैं सिंगम भी हूँ। भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, सर यहाँ से हिलेंगे तो पता नहीं क्या करना है। आराम से पीछा करते करते थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो, चलता हूँ। वन मिनट। दैट वॉज गुड, स्मार्ट। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब देखकर मैं तुम्हारे सामने दो मुद्दे रखता हूँ। पहला मुद्दा, तुम मेरे डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो जाओ, तुम्हारे ऊपर एक भी केस नहीं रहेगा। यकीन नहीं हो रहा है भाई? सर चलो मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें अपने डिपार्टमेंट में ऑफिशियली ज्वाइन करवाता हूँ। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं बात करके तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगा। कौन सी नौकरी? इंस्पेक्टर की नौकरी। सर इंस्पेक्टर? या इंस्पेक्टर। मैं? यस। इंस्पेक्टर की नौकरी में मैं क्या क्या कर सकता हूँ सर? अभी जो इलीगली कर रहे हो वो लीगली कर सकते हो तुम। रेड डालने जा सकते हैं सर? हाँ जा सकते हो। ये मेरा और मेरे पिताजी का सपना रहा है, सच में जा सकता हूँ? ऊपर वाले की कसम खाकर कह रहा हूँ तुम जा सकते हो, डेली तुम रेड कर सकते हो, बहुत बड़ी लिस्ट है। वैसे अभी भी तो मैं वही कर रहा हूँ ना सर, तो फिर आपके साथ क्यों करूँ? अच्छा मजाक है, रात को किसी के साथ झगड़ा हुआ तो उसके यहाँ रेड डालने को कहेंगे, सुबह में दोस्ती हो गई तो रेड के लिए मना करेंगे। ऐसे काम करते हैं ये लोग। वैसे रिटायरमेंट के बाद सही से काम करना हो तो कभी भी हम लोग को ज्वाइन कर सकते हो। यू ऑलवेज वेलकम सर। चल रहे। वेट, दूसरा मुद्दा सुने बिना ही तुम जा रहे हो। अभी बस हो गया सर, पहले हॉस्पिटल जाना, उसके बाद सुन लेना। दैट इज ओके। इस केस को मेरे हाथ में आए हुए सिर्फ 7 दिन हुए हैं, और आप लोग जितने लोग हो, कहां रहते हो, ये सब पता चल गया है। सिर्फ 2 दिन तो पकड़िए ना सर, मुझे छूना है तो बहुत लोगों को पार करके आना होगा। हाँ वो तो देखा, क्योंकि हम सब कौन है। मजा नहीं आया क्या? कहा एक छोटी सी टीम दुनिया की भलाई के लिए।